गाइस वेलकम बैक टू रियाज लाइफ। तो अब फाइनली मेरे वैकेशन चालू हो गए, तो मेरे को बहुत फ्री टाइम है, तो आपके व्लॉग्स आते ही आते रहेंगे। तो अभी ना एक्चुअली हम लोग मार्केट जाने का सोच रहे हैं, मतलब मार्केट जा रहे हैं। पहले हम लोग बीच जाने का सोच रहे थे, लेकिन फिर मैं बहुत लेट उठ गई। तो अभी चलिए हम लोग मार्केट जाते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं सब्जी की, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज पूरे दिन क्या करती हूँ। और वैसे आज हमारा एनुअल डे है, तो मैं आपको बताती हूँ मैं एनुअल डे में क्या क्या करती हूँ। तो चलिए अभी पहले हम लोग मार्केट जाते हैं गाइस। और अभी ना हमारे यहाँ पे घर मंदिर और क्या देखो उनकी प्रतिष्ठा हुई है, बहुत सुंदर बना है। तो गाइस अभी जो घर मंदिर है उसकी उनकी भी प्रतिष्ठा हो गई है, तो मस्त है। हम लोग ना पूजा में जल्दी से जा सकती थी, अभी अगर स्कूल भी हो तो मैं जल्दी से पूजा करने आ सकती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस जैसे मैं आपको पिछले बार में बोला भी होगा, तो ये परम लाइफस्टाइल यहाँ की भी मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई है। तो गाइस अभी मेरे पापा पैसे निकालने चले गए हैं, तो मैं उनके लिए बाहर वेट कर रही हूँ। गाइस पता नहीं मुझे क्यों, जब पापा की सारी मेडिसिन खत्म हो जाती है ना, तब वो लाते हैं नया पैकेट। अब उनको बीपी भी है, तो मैं बोलती हूँ एक्स्ट्रा स्टॉक्स तो रखना ही चाहिए ना, कभी इमरजेंसी में जैसे फ्लड विड आ जाता है तो एक्स्ट्रा स्टॉक रखना चाहिए ना, लेकिन नहीं सुनते ही नहीं है। अब पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन चलो अभी हम लोग मेडिसिन लेने आ गए। अब मैं वापस से समझाती हूँ कि लो और लो मेडिसिन। मुझे ना पता ही नहीं है पापा एक सिप में पूरा पी गए, मैं तो पता नहीं कितने सिप्स लग जाते मुझे पीने के लिए, लेकिन हैट्स ऑफ है पापा को इतना कड़वा जूस पीने के लिए। पापा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा। पापा बोलते एक सिप में पी लो, कुछ नहीं लगता, मैं नहीं कर सकती। गाइस अगर मुर्गन में आओगे ना एकदम ऑथेंटिक, वो एकदम लीफ में ही देते हैं आपको, इतना अच्छा लगता है ना। और देन आपको थोड़ा पानी डाल के उसके ऊपर थोड़ा वॉश करके उसको डालना होता है। गेटिंग सूडा सूडा सांबर एंड टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट। और मम्मा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक्सट्रीम अपॉलॉजी, तो एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग गई थी इसलिए मैं आई हूँ, लेकिन आपके भी फेवरेट रेस्टोरेंट में हम चले गए, तो सॉरी मम्मा, अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। लेट्स टेक अ बाइट ऑफ। सो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, और अगर आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है तो अपने को जो लीफ है वो अपने को अपने ही साइड करनी होती है। सो गाइस अभी हम लोग ना मार्केट जा रहे हैं वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की। बस बस हम लोग फाइनली आ गए, अभी हम लोग वेजिटेबल की शॉपिंग कर रहे हैं। हमारी वेजिटेबल की शॉपिंग तो ओवर हो गई है, अभी हम लोग आए फ्रूट की शॉपिंग में, और थोड़े वाटरमेलन ऑरेंज देखते अगर अच्छे तो हम लोग लेते हैं। शाम भी आने लग गए। सारी शॉपिंग हमारी खा भी लिया है चीजें। सो गाइस अभी मैंने अपना यूनिफॉर्म तो पहन लिया है, वैसे आज ना मेरा एनुअल डे और मुझे अवार्ड मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने यूनिफॉर्म पहना है। अभी एक्चुअली मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं खाने के बाद थोड़ा सो गई थी ना, और फिर मैं थोड़ा टीवी देखा। अभी क्या बोलते 3:40 कुछ हुए होंगे, और हम लोग 4:30 जा रहे हैं एनुअल डे के लिए। तो अब मम्मा मेरी छोटी बांध रही है, और फिर मैं अदर अपने जो सारे आईडी कार्ड होता है बेल्ट है वो सब जाऊंगी,
और मेरे को आज अवार्ड मिलने वाला है, तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। देखते हैं कैसे जाता है, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए मेरे स्कूल पे। मेरे को पता नहीं, बहुत नर्वस थे, सारे टीचर्स ये सब कुछ नर्वस। पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डीजी वैष्णव कॉलेज। हम लोग आए हैं जॉन प्लेयर में, यहाँ पे थोड़ी हम लोग शॉपिंग कर लेंगे और मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरे अवार्ड फंक्शन का। मतलब एनुअल डे पूरा था लेकिन रिधान इतना रो रहा था, लिटरली यहाँ पे भी नहीं रुक रहा है, लेकिन हम लोग वहां से तो चले गए। अवार्ड हमको मिल गया है, घर जाके आपको मैं अच्छे से बताऊंगी जो मुझे मिला। मैं वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आई वाज लाइक, सच्ची आई एम डिजर्विंग टू गेट दिस। बहुत लोगों को NSO में, IEO में दो मेडल्स, गोल्ड मेडल्स, 3 गोल्ड मेडल्स मिले, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं 5th स्टैंडर्ड में एनरोल करूंगी एंड ऑफ कोर्स मेरे हाथ में भी गोल्ड मेडल होगा। तो अभी तो पापा में शॉपिंग कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो गाइस, फाइनली हमारी पूरी जॉन प्लेयर की शॉपिंग हो गई है। लिटरली मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ ना अभी। तो गाइस, ये है वर्ल्ड का जो माना जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोन, लिटरली मेरे मुंह से भी बड़ा है, तो मैं अभी इसको ट्राई करती हूँ। गाइस, तो हम लोग इस कोन के साथ सेलिब्रेशन करेंगे मेरे अचीवमेंट का। सो गाइस, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। ये बहुत टेस्टी, ऊपर पूरी आप देख सकते हैं इतनी चॉकलेट की ले रहे आइसक्रीम एंड फिर ऑफकोर्स आप बिगेस्ट कोन। गाइस, इसको लग रहा है ये नींबू खा रहा है, कौन इतने अच्छे चॉकलेट है। सो गाइस, अभी हम लोग एक नए रेस्टोरेंट पे आए हैं, तो यहाँ पे इतना सर्दी की कितने चटनी हम इतने भी बाहर ले सकते हैं। देखिए देखिए, एक चटनी क्या बता देती है। सो गाइस, अभी हम लोग घर पे आ गए, अब थोड़ा रिलैक्स है, सब कुछ अपनी अचीवमेंट देख ली ट्रॉफी। अभी मैं देख रही थी ब्लॉग डिम्पल मलंका ट्रिगन सा फुगरन सा चन्नी में आए, तब मैं और एक घंटा और ब्लॉग देखने वाली हूँ। तो इस वीडियो को मैं अभी यहाँ पे एंड करना चाहूंगी। आपको आप कमेंट करना है, ये मेरा फर्स्ट टाइम ना डेली व्लॉगिंग था। हमेशा मैं सोचती हूँ लेकिन आधे दिन में छूट जाता है, सब कल करेंगे लेकिन नहीं होता है। तो आज का डेली व्लॉग आपको कैसा लगा बताना, मैं और भी व्लॉग्स लेके आ जाऊंगी। अब तो छुट्टियां हमारी, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना किसकी किसकी छुट्टियां चालू हो गई और आपने क्या किया अपने फर्स्ट डे वैकेशन में। तो अभी आपको कैसा लगा वीडियो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे टुगेदर, बाय।